हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम ई विद्याटी डॉट इन. सो टुडे इन दिस सेशन हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 12. चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट. सो सर्किट्स क्या होते हैं वो भी हम चैप्टर में आगे जाके पढ़ लेंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये सबको पता होना चाहिए. अगर आपके घर में लाइट, टीवी, वॉशिंग मशीन या कोई भी ऐसी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल रही है, बी इट एनीथिंग, ये जो हमारी लाइट्स वगैरह भी है ये कैसे चलती है, दे वर्क थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. आपने देखा होगा घर में जब होते ना, अरे पावर कट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी चली गई या लाइट चली गई, दैट मींस जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होता है तो ये सब चीजें चलना बंद हो जाती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पता है क्या होता है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक, जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल. अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है ये आप सबने देखा होगा, इस तरह से हमारे पास एक सेल होता है, जो कि आपने देखा होगा जो हमारी वॉल क्लॉक्स होती हैं उसमें डलता है, बच्चों के टॉयज होते हैं उसमें डलता है, किचन की बड़े सारे अप्लायंसेस होते हैं जिसमें, जैसे कॉफी बीटर होता है, तो उन सब चीजों में ये सेल डलते हैं. यूजली हम इनको सेल्स बोलते हैं, है ना. तो आप सबने देखा होगा एक मोटे वाले आते हैं, एक बहुत बड़े साइज के आते हैं और एक बिल्कुल पतले से आते हैं, तो टीवी के रिमोट्स वगैरह में भी होते, वो सब इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं. इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब वो भी एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अब कुछ चीजें, अब हर चीज हम जो हमारा स्विच बोर्ड होता है उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे अब कुछ टॉयज होते हैं जो डॉक्टर से भी चलते हैं और सेल से भी चलते हैं, है ना. तो ये भी एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो सेल भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. तो एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एक छोटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं. ऐसा नहीं कि अब सेल से भाई एसी चला लो, टीवी चला लो, वो सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक छोटी सी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट. उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल स्टोर होते हैं जिसकी हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं. नेक्स्ट है, व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. और जब वो केमिकल फिनिश हो जाता है तो वो वर्क करना सेल खत्म कर देते. आपने बहुत बार सुना होगा घड़ी रुक गई, अरे लगता है इसके सेल खत्म हो गए, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसके सेल चेंज कर दो फिर चल पड़ेगी, है ना. तो दैट मींस जो उसके सेल डले हुए थे उसके अंदर का जो केमिकल था वो अब खत्म हो गया, इसलिए हमें उसमें न्यू सेल डालने पड़ेंगे. ऑल्सो ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं आजकल ये रिचार्जेबल भी आते हैं, कि आप इनको रिचार्ज भी कर सकते हो, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अभी के लिए ये समझ लो कि जब सेल के जो अंदर का केमिकल फिनिश हो जाता है तो हमें सेल को रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, तो मतलब वो सेल अब केमिकल खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट सेशन. अब इसको नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टर्मिनल. अब टर्मिनल क्या होता है. सो ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. तो जितने भी सेल होते हैं उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, बेसिकली दो एंडिंग्स होती है. एक आप देखोगे इस तरह से कुछ ऊपर से ऊपर निकला होता है और एक बिल्कुल प्लेन होता है, और वहां पे ये वाले पार्ट पे प्लस लिखा होता है, ये वाले पार्ट पे माइनस लिखा होता है, राइट. सो ये होते हैं टर्मिनल्स. आगे देखते हैं, द मेटल कैप एंड मेटल डिस्क आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल रिस्पेक्टिवली. तो जो मेटल कैप होती है वो पॉजिटिव होती है, जो इस तरह से चोच सी निकली होती है जिसमें, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल. और जो डिस्क होती है मतलब जो पार्ट प्लेन होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल, मतलब माइनस साइड होता है. तभी आप देखते हो जब भी हम किसी उसमें सेल लगाते हैं तो किस तरह लगता है, एक सेल ऐसे लगता है तो एक सेल इसी के साथ में हमेशा उल्टा लगता है. जैसे अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाला ऊपर है तो इसमें पॉजिटिव वाला नीचे होगा और ये डिस्क वाला ऊपर होगा, करेक्ट. इस तरह से सेल लगते हैं. देन इलेक्ट्रिक सेल आर यूज इन अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, रेडियो, कैमरास, रिमोट एक्सेट्रा. सो ये सारे एग्जांपल है जहां पे इलेक्ट्रिक सेल यूज होते हैं. ऑल्सो आप यहाँ पे सोच रहे होगी कि रिस्ट वॉच जो होती है उसमें इतना बड़ा सेल तो लगता नहीं, तो आपने अगर रिस्ट वॉच का कभी सेल देखा होगा तो वो गोल सा होता है, सिल्वर कलर का छोटा सा सेल होता है. आप अपने माँ बाप को कहोगे तो आपको जरूर निकाल के दिखाएंगे, भी सिल्वर कलर का होता है, उसमें भी सेम होता है, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, सो ये था अबाउट टर्मिनल. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. सो एक बल्ब को हम
इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग इज बल्ब क्या होता है, आई एम श्योर आप लोगों ने अपने घरों में जरूर देखा होगा। सो लेट्स रीड इट आउट। वी गेट लाइट फ्रॉम अ टाइनी थिन वायर इनसाइड द ग्लास कवर, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। अब अगर आप बल्ब के अंदर ध्यान से देखोगे तो उसकी जगह मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, इस तरह का अगर नीचे का कुछ, और ये आपका बल्ब है। सो यहाँ पे इस तरह की ये जो पार्ट है, दिस थिन वायर, दिस इज द फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ऑल्सो इट इज सपोर्टेड बाय टू थिकर वायर्स, और इसको सपोर्ट करती है दो थिक वायर्स। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि वायर्स वो कहाँ कहाँ कनेक्ट होते, तो आई क्विकली रैप दिस एंड राइट इट डाउन। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हमने देखा ये जो पतली वायर होती है दैट इज दी फिलामेंट, और ये ज्वाइंट होती है दो थिक वायर से। नाउ वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू दी मेटल केसिंग अराउंड दी बेस ऑफ दी बल्ब। तो कभी भी देखोगे बल्ब का एक बेस होता है मेटल का जो होता है। सो अब उनमें से एक वायर जो होती है इट इज कनेक्टेड टू दी मेटल केसिंग अराउंड दी बेस, वो बल्ब का जो बेस होता है मतलब एंड होता है बिल्कुल, उससे कनेक्टेड होती है। दी अदर वायर इज कनेक्टेड टू दी मेटल टिप ऑफ दी बेस ऑफ दी बल्ब। अब बल्ब का जो बेस है, अब उस मेटल बेस के एक बिल्कुल एंड में और एक बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वहां पे ये दो वायर्स कनेक्टेड होती है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बल्ब आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। अब बल्ब के भी दो टर्मिनल्स इसी तरह से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंड वाला एक टिप हो गया और ये स्टार्टिंग वाला टिप हो गया था, ये दो हमारे हो गए टर्मिनल्स ऑफ अ बल्ब। ठीक है, अभी इसके आगे और भी है, सो लेट्स गेट टू दैट। So now these two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. अब इन terminals को इस तरह से fix किया जाता है कि ये एक दूसरे को touch ना कर पाए। जैसे कि अगर आप एक normal cell में भी देखते हो तो हम ये part इस part से touch नहीं कर सकते, correct? तो bulb का भी जो terminals है वो ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे को touch ना कर सके, इस तरह से fix किए जाते हैं। Now the inside portion of the bulb is filled with inert gases लाइक एसिड। सो यहाँ पे अब ये जो बल्ब के अंदर का पार्ट होता है इसके अंदर एक गैस होती है, इंसर्ट इनर्ट गैसेस होती है, जैसे कि आर्गन टाइप एक टाइप की गैस है, तो ये इसके अंदर फिल्ड होती है। तो बल्ब अगर आप सोचो ना हम जैसे बिल्कुल खाली होते हैं तो ऐसा नहीं है, उनमें गैसेस फिल्ड होती है। फाइन, सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट, हमने बल्ब की डिटेल्स पढ़ी। अभी ये जो हमारा टॉपिक है बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, ये अभी कंटिन्यू चलेगा क्योंकि इसमें हम सर्किट्स के बारे में भी देखेंगे, हम फ्लो के बारे में भी देखेंगे। सो वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक। ओके, बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, इसमें हमने बल्ब के बारे में, टर्मिनल्स के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ बल्ब एंड ये एक इलेक्ट्रिक सेल है। The terminals of the cell are connected to the terminals of the bulb. अब यहाँ पे पहली बात तो सेल के टर्मिनल्स कौन से होते हैं, जो यहाँ पे ये टॉप पोर्शन होता है और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसको हम प्लस माइनस करके हमने पढ़ा था, तो ये टर्मिनल्स हो गए इलेक्ट्रिक सेल के। देन बल्ब में जो नीचे हमारे पास मेटल वाला वो पार्ट होता है उसमें एक टर्मिनल होता है बिल्कुल एंड में और एक होता है मेटल की टॉप पे, है ना। तो ये दो टर्मिनल्स हो गए बल्ब के एंड ये दो टर्मिनल्स हो गए इलेक्ट्रिक सेल के। अब जब ये दोनों बल्ब के भी दोनों टर्मिनल्स और इलेक्ट्रिक सेल के भी दोनों टर्मिनल्स को हम ज्वाइन करते हैं बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। सो किससे ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्मिनल ज्वाइन हुआ है इस टर्मिनल से एंड यहां से हमने इसको ज्वाइन किया है इस टर्मिनल से, और जो ज्वाइन किया है वो किस चीज से किया है, वायर से, और उसको आप इलेक्ट्रिक वायर कह सकते हो। सच एन अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड अ बल्ब इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये जो हमने अरेंज किया है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे होगा क्या, द बल्ब विल ग्लो। सो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे एनर्जी फ्लो होगी एंड होगा। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। So now the circuit is said to be complete in this case because of which electricity will flow and bulb will glow. अब इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये सर्किट कम्प्लीट है। अभी इससे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस सर्किट को हम
कंप्लीट सर्किट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हर टर्मिनल का एंड दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। जब वो टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सेल की इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी एंड वो फ्लो होगी या पास ऑन होगी बल्ब तक, जिसकी हेल्प से बल्ब ग्लो करेगा। सो आई रीड इट अगेन, द सर्किट इज सेट टू बी कंप्लीट इन दिस केस बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो एंड द बल्ब विल ग्लो। ओके, देन वन शुड बी केयरफुल व्हाइल सेटिंग अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट शुड बी डन अंडर सुपरविजन। सो इफ यू आर प्लानिंग टू ट्राई इट कि हम ये करके देखते हैं, सो मेक श्योर कि आपके साथ आपके पेरेंट्स वगैरह या फिर आपकी स्कूल टीचर्स अगर हेल्प कर रही हैं तो आप उनकी सुपरविजन में करना, बिकॉज हो सकता है आपको इससे करंट वगैरह भी पास हो जाए, इससे आपको करंट लग सकता है। सो यू हैव टू डू दिस अंडर सुपरविजन। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं सर्किट किस किस टाइप के होते हैं।